नमस्कार दोस्तों, मैं पवन, मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM। इसमें हम दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य दोनों मिक्स सामग्री को अध्ययन में देखेंगे कि इसके नोट्स देखते हैं हम कि ये नोट्स के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि ये कौन कौन सी सामग्रियाँ होती है और क्या काम आती हैं, किस प्रकार की होती है। शिक्षण सामग्रियों के प्रकार देखते हैं। नंबर 1, दृश्य सहायक सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे विद्यार्थी केवल देखकर अधिगम करता है, केवल देखकर, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे चार्ट, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड, श्याम पट, मॉडल, चित्र, ग्राफ, पाठ्यपुस्तक, स्लाइड। यहाँ एक ही ज्ञानेंद्री केवल आंखें ही काम करती हैं और केवल देखकर ही वो सीखता है बच्चा। श्याम पट का ही एक रूप लपेट फलक होता है। वास्तविक पदार्थ, प्रतिमूर्ति, नमूना, मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, डायग्राम, पोस्टर, टाइमलाइन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट, डिस्प्ले बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, चौक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड, पैग बोर्ड, हुक व लूप बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, दंड आरेख, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, ग्लोब, कार्टून, संग्रहालय, प्रतिमान, सूक्ष्मदर्शी आदि दृश्य सामग्री के काम में आते हैं। अब नंबर 2, श्रव्य सामग्री। ऐसी सामग्री जिसे विद्यार्थी केवल सुनकर अधिगम करता है, यहाँ देखेगा नहीं, यहाँ केवल सुनेगा, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। यहाँ केवल एक ज्ञानेंद्री कान ही काम में आते हैं। इसके उदाहरण हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, CD प्लेयर, कैसेट्स, ऑडियो प्लेयर, DJ, साउंड सिस्टम, ग्रामोफोन, MP3, लिंगवा फोन आदि। नंबर 3, श्रव्य दृश्य सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे विद्यार्थी देख सके और सुन सके और अधिगम कर सके, तो उसे हम श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। इसमें दो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, आँख का भी प्रयोग होता है और कान का भी प्रयोग होता है। कौन कौन सी है ये? मूवीज, TV, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मोबाइल, चलचित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, CCTV, ऑडियो वीडियो टेप, ये श्रव्य दृश्य सामग्री मानी जाती हैं।